أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تَطْهِيرًا وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا, इनके मालों में से ज़कात वसूल और उनके जरिए इन्हें पाक और पाकीज़ा कीजिए। अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है, दुनिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, आपके इर्द गिर्द रहते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जिसके अंदर हम लोग, यहाँ पे मुख्तलिफ क्लास होती हैं हमारे यहाँ, जैसे हम बात करते हैं मिडिल क्लास है, लो मिडिल क्लास है, अपर क्लास होती है, या हाई क्लास से बात कर रहे हैं। हर कोई जो है अपने जरिए माश जो कमाता है उसके हिसाब से अपने जो है घर का खर्चा कर रहा होता है। वो अफराद जो रिस्क कमाते हैं लेकिन उनके रिस्क में बड़ा इतने ज़्यादा नहीं है कि वो अपने घर का खर्चा चला सकें, तो अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसके जरिए से उन लोगों के जो नेडी लोग हैं उन लोगों को और उनके घर का जरिया चल सके। तो अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा है ज़कात का। ज़कात अगर हमने आप निकालेंगे तो ज़कात निकालने से क्या होगा, उन गरीबों की मदद हुआ करेगी जो साहिब इस्तेदाद हैं, जो निडी हैं। तो ये ज़कात चलती है। ज़कात किस चीज़ से निकाली जाती है, क्या हम लोग पैसों में ज़कात निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम अभी पढ़ते हैं। बहुत सारी ज़कात आप जान सकते हैं कि मसलन अभी हम जान सकते हैं कि हम जो सदका देते हैं यहाँ पे, ये भी एक किस्म की ज़कात है आप होती है, ठीक है। ज़कात के बारे में पढ़ते हैं, अभी क्या लिखा हुआ है कि ज़कात के मायने ताहरत और पाकीज़गी के हैं। ये एक माली इबादत है जो हर साहिब निसाब पर उसके वक्त वाजिब होती है जब वो आकिल बालिग आज़ाद और उसके माल का मालिक हो, जिस पर ज़कात वाजिब होती है। यानी क्या मतलब है, ज़कात का तो मतलब क्या, ताहरत के हैं पाकीज़गी के हैं, यानी कि अगर इंसान खुद नजीस हो जाता है तो क्या करता है, गुस्ल करके अपने आप को पाक कर लेता है तो इंसान पाक हो जाता है। इसी तरह से अल्लाह ताला कहता है तुम तो अपने माल में से ज़कात निकालो तो तुम्हारा माल पाक हो जाएगा। तो क्या ये जहन में सवाल करता हूँ, तो क्या हमारा माल भी नजीस हो सकता है? क्या हाँ, तो हमारा माल भी नजीस हो सकता है। कब होगा कि आगे हम पढ़ेंगे कि किन किन चीज़ों पर ज़कात होती है, और अगर जो माल हमें जिहाद करना मिलता है या जो हमें सर्चिंग करते हुए मिलता है तो उनसे क्या होती है, ज़कात वाजिब हो जाती है। जब उन पर से हम लोग ज़कात निकाल देते हैं तो अल्लाह ताला वो चीज़ हमारे पास हलाल कर देता है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं और हम इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ज़कात के मायने ताहरत के हैं, पाकीज़गी के हैं, यानी कि उस माल को पाक करना है। जिस तरह से हम लोग गुस्ल करते हैं, गुस्ल करके हम लोग पाक हो जाते हैं, इसी तरह से ज़कात निकाल के पाक हैं। ये एक माली इबादत है, क्योंकि हम अपना माल दे रहे हैं किसकी राह में, अल्लाह की राह में दे रहे हैं, और किसको दे रहे हैं, गरीबों को दे रहे हैं जो कि नीडी हैं, उनको हम यहाँ पे दे रहे हैं। एकदम पता नहीं क्या हो जाता सर को, सर के बाद सर आपकी आवाज अटक अटक कर आ रही है। इबादत है जैसे कि हर निसाब में वाजिब है। आवाज जिस तरह के हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज कब वाजिब होती है, जब हम बालिग हो जाते हैं। बालिग कब होता है, जैसे कि हमें पता है कि हम बालिग होने की शराइत है कि हम इस्लामी लिहाज से 15 साल के हो जाए तो हम पर क्या हो जाएगी, नमाज वाजिब हो जाती है। इसी तरह से अल्लाह ताला कह रहा है जब नमाज वाजिब हो जाएगी तो अगर तुम्हारे पास माल मौजूद है तो तुम्हारा पर अगर माल मौजूद है, और जब हम पर अकल हो जाए, हम बालिग भी हों और आजाद भी हों, तो हम पर क्या होगी, ज़कात वाजिब होगी। यानी कि हमारे माँ बाप अगर बहुत ज़्यादा अमीर थे, उनकी जद्दी मुझसे हमें क्या मिला, पैसा मिला है हमें, और उसके बाद जो है हम यहाँ पे, यानी कि अमीर थे हम लोग, और जब हम बालिग हो जाएंगे तो हम पर क्या हो जाएगी, ज़कात वाजिब हो जाएगी। अच्छा, ज़कात जो निकालेंगे किस तरह से, ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं। निसाब कितना निकालेंगे, ज़कात किस किस पर निकालेंगे, ये सब चीज़ें यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। जिस पर ज़कात वाजिब होती है, ज़कात निकालने से इंसान का माल दूसरे हुकूक से पाक हो जाता है। ज़कात निकालने वाले का दिल दुनिया और माल दुनिया की मोहब्बत से पाक हो जाता है। यही वजह है कि कुरान करीम में मुतअद्दिद मकामात पर नमाज और ज़कात का हुक्म साथ साथ आया। यानी कि अल्लाह ताला भी कुरान मजीद के अंदर बारहा कई जगहों पे, सर आपकी आवाज अटक अटक कर आ रही है। सर जी बेटा मैं इसलिए सुनो बोल रहा हूँ, लोग बता रहा था कि आपको आवाज़ और तस्वीर मेरी क्लियर आए। आप अपना नेट के देखें, जहाँ आपके डिवाइस है वहाँ पे आप वाईफाई के साथ बैठे, इंशाल्लाह आपका आवाज़ क्लियर आएगी। मेरी तरफ से यहाँ से एकदम क्लियर है, एकदम कुछ चीज़ें यहाँ पे अभी नेट का रूप भी नहीं है हमारे पास,
नेट अच्छे चल रहा है, आप अपनी तरफ जरा जहाँ वाईफाई की डिवाइस है वहाँ बैठे ताकि आपकी वॉइस क्लियर आ जाए, और जो बच्चे आवाज क्लियर नहीं आ रही अपनी वीडियो में प्रॉब्लम है। सर मैं अपना कैमरा नहीं खोल पा रहा, हमारा कैमरा नहीं खुल रहा, शायद डिसेबल कर दिया। तो मैं आपको बताता हूँ अल्लाह ताला कह रहा है कुरान मजीद के अंदर भी आप ज़कात निकालें, ज़कात निकालेंगे कहाँ, जहाँ पे ज़कात का जिक्र किया वहाँ पे नमाज का जिक्र किया, यानी अल्लाह ताला का नमाज कायम करो और अल्लाह की राह में ज़कात दो। ये आयत जिसका मैं तर्जुमा सुना रहा हूँ ये कई मुकामात पर आपको बरहा कुरान मजीद में मिलेगा, जगह जगह मिलेगा, सही है। इसकी एक मिसाल ये है कि मौला अली अलैहिस्सलाम जब एक दिन नमाज पढ़ते एक साहिल आया था मस्जिद में और अल्लाह से उसे जो वो की आवाज बुलंद की कि एक दूर है जो अल्लाह का अल्लाह के नाम मुझे दे, तो मौला अली अलैहिस्सलाम नमाज का पढ़ रहे थे, नमाज के आलम में अपने उन्होंने हाथ का इशारा किया वो इमाम के हाथ से अंगूठी लेकर चला गया, यानी इमाम ने नमाज के हालत में भी जो है जगह दी। तो इस तरह से आ गया कि अल्लाह ताला जहाँ में कई मस्जिद में भी कई जगह में जिक्र आया है कि नमाज पढ़ो और साथ साथ में जगह दो। इसको अलग ना करने वाला गुनाहगार होता है और उसका इंकार करने वाला दीन से खारिज हो जाता है। अगर जिस तरह से अगर हम लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग गुनाहगार हो जाएंगे, इसी तरह से अगर हम ज़कात को अदा नहीं करेंगे तो हम लोग भी क्या होंगे गुनाहगार हो जाएंगे। ज़कात किस पर वाजिब है, हर आदमी पर वाजिब है, हर बालिग पर वाजिब है और आज़ाद हो यानी कि खुद मुख्तार हो उसका माल हो। मिसाल आपके पास ईडी आती है आपको मिसाल 10,000 रुपये जमा हो गए तो वो 10,000 रुपये जो है आप उस पैसों के मालिक हैं। आप अभी आपके हाथ में मोबाइल है, अगर ये आपका पर्सनल मोबाइल है तो ये आपका पर्सनल मोबाइल है, यानी आप इस चीज के मालिक है। तो अल्लाह ताला कह रहा है अगर आपके पास ऐसा माल है जिस पर ज़कात निकलती है तो आपने ज़कात निकालनी है, और वो कब निकलेगी जब आप बालिग हो जाएंगे और उसका निकालना वाजिब है। अगर कोई शख्स ये कह के नहीं यार ज़कात का कोई भी चीज़ नहीं होती बस पैसा जमा करो माल जमा करो ये चीज़ है और गरीबों को हक नहीं देना उनका, तो वो शख्स क्या हो जाएगा दीन से भी खारिज हो जाएगा, यानी कि अल्लाह ताला की नाफरमानी की उसने। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा कि आपने ज़कात देनी है तो आपने देनी है, आपने पैसों को या माल को इकट्ठा करके आपने नहीं बैठना, ठीक है। ज़कात माशी के गरीब पसमानदगा बेचारा लोगों को सहारा देने के लिए है ताकि वो अपनी जरूरियात जिंदगी में इससे पूरी करें और गदा गरीबी मजबूत हो। हम अपने माशरे में देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो मांगने मांगते हैं, मिसाल तो हम यहाँ पे देखते हैं कि रास्ते में हम जाते हैं मतलब हम कहीं शहरा पे निकलते हैं तो बहुत से लोग आपके पास आते हैं और आपसे पैसे मांगते हैं, आपसे चीज़ें मांगते हैं। अभी आप यहाँ पे टीवी के ऊपर भी देखते हैं या मुख्तलिफ जगह देखते हैं कि मुख्तलिफ इदारे ऐसे नाम लूँ कि JDC हो गया, सैलानी हो गया या ईडी हो गया, इस तरह के वेलफेयर इदारे हैं जो कि क्या करते हैं गरीबों की मदद कर रहे होते हैं, उनकी राशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यही वजह है कि अल्लाह ताला कहता है कि अपने माल गरीबों के लिए क्या करो, आपने माल निकाला ताकि आप जो है उनकी मदद हो सके। अगर किसी घर में राशन नहीं है तो आपने राशन डलवा देना है, किसी घर में कोई घर का रहने के सामान नहीं है तो आपने उसके सामान भी घर के सामान भी डालना है। वो कब होगा जब हम जगह देंगे, जगह देंगे तो क्या होगा हम अपने माल में से कुछ चीज निकालेंगे, उन चीज़ों से उन गरीबों की मदद हुआ करेगी। ये एक पूरा प्रोसेस है सब कुछ है। इसी तरह से हमारे यहाँ खुम्स का भी एक तरीका है कि हमने अपने माल का 5% निकाला, इसके बाद अगर चलता है इन पढ़ेंगे हम लोग तो उसके अंदर पता चलेगा कि हम खुम्स उस पर भी होता है निकाली जाती है। अगर लोग ईमानदारी से जगह अदा करें तो माशी से गरीब जहालत बीमारी जैसे मसाइल से निजात मिल सकती है। नेस इंसान के दिल से माल की मोहब्बत कम होती है। इंसान क्या करेगा अपने पास से माल जब देगा तो उसके पास से क्या होगा जब माल कम होगा उसको क्या होगा ऐसा होगा नहीं यार मेरा माल कम है और उसके दिल से क्या होगा ये सारे जो ये है यानी कि हबीस इंसान की होती है वो खत्म हो जाएगी। इंसान को कि माल जमा करने की सब्जी होगा और उसके अंदर ये रहेगा डर होगा कि नहीं अल्लाह के जो दूसरे बंदे उनके जो हक है उनको अदा करना है हमें। और अगर हर इंसान अपने हिस्से के ज़कात देगा तो क्या होगा कि दुनिया में आप ये देखते हैं गदागरी उस वक्त भीख मांगने को बोलते हैं, जो लोग माशरे के अंदर भीख मांगते हैं ये सारा सिस्टम जो खत्म हो जाएगा, बल्कि लोग अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारेंगे। और माशरे में जिस तरह से आप लोग घर में बैठ के अच्छा खाना अच्छा पहन रहे हैं वो शख्स भी क्या होगा जो जिसके पास अच्छा खाने में नहीं है अच्छा पहनने में नहीं है वो भी क्या करेगा अच्छा खा सकेगा अच्छा पहन सकेगा। ये कब हो सकेगा कि हर इंसान जब अपने पास से अपने हिस्से का ज़कात अदा करेगा। ज़कात होती क्या है जो मैंने आपको बताया कि एक माल है
जो अल्लाह के राह में क्या कहते हैं जकात यानी तहारत के पाकिजीद के अपने माल में कुछ हिस्सा आपने देना है अल्लाह के राह में देना है। जकात किन चीजों पर वाजिब है? मकतब तशय्यु यानी हम अहले तशय्यु या सिर्फ नौ चीजों पर जकात वाजिब है, जबकि अहले सुन्नत जो सुन्नी भाई हमारे यहाँ उनके यहाँ पैसों के ऊपर भी जकात होती है, जबकि हमारे यहाँ पैसों के ऊपर जकात नहीं है, हमारे यहाँ नौ चीजों पर जकात है। जैसे कि आप लोग आजकल टीवी पे देखते हैं कि बहुत सारे आजकल भर गए शिया शायद जकात नहीं देते, ये नहीं करते, नहीं ऐसा नहीं है। शिया हजरात में जकात देते हैं और जकात जो है नौ चीजों पर वाजिब होती है। वो कौन कौन सी है? नमा मत ऊट कैमिल के ऊपर भी हमारे यहाँ जकात है, गाय के ऊपर हमारे यहाँ जकात है, गोसपन यानी कि जो भेड़ होता है हमारे यहाँ उसके जकात उस पर जकात है, गंदुम के ऊपर जकात है, सही है, गाय के ऊपर है, गोसन यानी भेड़ के ऊपर है, गंदुम यानी आटा जो हम लोग खाते हैं रोजाना उसके ऊपर जकात है, खजूर के ऊपर जकात है जो हम लोग ये रमजान में खजूर खाते हैं इसके ऊपर जकात है, जौ जिससे आटा बनता है उस पे है, किशमिश जो होती है उसके ऊपर भी क्या होता है जकात वाजिब है, सोना है चांदी है। बाद जगह बाद जगह क्या होता है, हम लोग जमीन खोदते हैं, जमीन खोदने के बाद क्या होता है कि नीचे जमीन से सोना निकलता है चांदी निकलती है। अब वो सोना चांदी किसी ने दफन किया था या वहां पे अल्लाह तआला ने कुदरत के तौर पर वहां पे डाल दिया, अगर वो आपका मिला तो आपके मालिक हो गए, लेकिन अल्लाह तआला कह रहा है कि माल अभी तुम्हारा पाक नहीं है, तुम्हें इस पे से क्या होगा जकात देना पड़ेगी, अगर तुम जकात दोगे तो ये माल पाक हो जाएगा, उसके बाद तुम इस माल को यूज कर सकोगे, इस माल को इस्तेमाल कर सकोगे। किसी के पास ऊँट है, ऊँट के रेवड़ है बहुत ज्यादा ऊँट है, हर साल ऊँट की नस्ल बढ़ती है, गाय है, गाय की बहुत ज्यादा उसके हर साल नस्ल बढ़ रही है, या उसके पास भेड़ हो गए तो, या उसके पास गंदुम की फसलें हैं, उसके पास खजूर के दरख्त हैं, उसके पास बाग हैं बहुत सारे, तो अल्लाह ताला कह रहा है कि अगर आपका फसल आती है तो उसके बाद आपने एक मखसूस हिस्सा आपने निकाल देना है, आप निकालेंगे तो क्या होगा वो आपका माल पाक हो जाएगा। और अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम मुझसे तिजारत करो, अल्लाह ताला ने कई जगह पर फरमाया कि तुम मुझसे तिजारत करो और मुझसे तिजारत करोगे तो तुम्हारे माल में मैं बरकत डालूंगा, तुम्हारे माल में दुगना कर दूंगा मैं। ये कब होगा? ये जब हम अपने माल में निकालेंगे, अल्लाह ताला कहते तुम मुझसे तिजारत करो। तो अगर हम अल्लाह ताला से उसके राह में खर्च करेंगे तो क्या होगा, क्या अल्लाह के राह में खर्च करने से क्या होगा कि हमारा माल दुगना हो जाएगा। अल्लाह कह रहा है कि तुम मेरे माल मेरे लिए खर्च करो, मेरे बंदों के लिए खर्च करो, मैं तुम्हारे माल में बरकत डालूंगा, इतनी बरकत डालूंगा कि तुम्हारे माल में संभालना जो है मुश्किल हो जाएगा, सही है। तो आपने हम अगर अल्लाह ताला के बताए हुए उसूलों पे सिर्फ चलेंगे कि अल्लाह के उसूल जो है बताए हुए अगर उनसे हम चलेंगे तो क्या होगा कि हम बहुत सारी बुराइयों से, बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी आफात से बच जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने जो हुक्म किया है जैसे कि जकात है, जैसे हम जहाँ पे निकालना है अगर इन चीज़ों पर निकालेंगे तो अल्लाह ताला हमारे यहाँ हमारे माल में भी बरकत देगा, हमें खुशहाली भी करेगा। आजकल लोग देखते हैं कि लोग बड़े परेशान होते हैं, या हम अपने माँ बाप से या ताया से मामा से चाचू से किसी सुनते हैं कि यार पैसे तो आते हैं लेकिन आते साथ बहुत खत्म हो जाते हैं, बरकत नहीं है, फला नहीं है। वजह क्या है कि अगर हम अपने पैसों में से हम उन गरीबों के लिए माल निकालेंगे तो अल्लाह ताला कह रहा है कि हम तुम्हारे माल के अंदर बरकत डालेंगे। तो आज ये पता चला ज़कात के मायने बदल गए आज हमें कि ज़कात के मायने हैं ताहरत के पाकिजी के हैं, और इसके अलावा ज़कात कितनी चीज़ों पर वाजिब है? नौ चीज़ों पर वाजिब है। मतलब है अहले तशय्यु क्या नौ चीज़ों पर ज़कात निकालना वाजिब है, जैसे कि मैंने आपको बताई वो कौन कौन सी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। आज ऊँट गाय हो गए, भेड़ या जिसे हम गोसों भी बोलते हैं, गंदुम अगर आपकी गंदुम की फसलें हैं, खजूर के बागान है, जौ है आपके पास, किशमिश हो गए, सोना है चांदी, सोना मिले आपको चांदी मिले, इन चीजों पर जकात निकालना वाजिब है, सही है। तो ये नौ चीजें हो गई। एक जकात वो भी है जिसे हम सदका निकालते हैं डेली की बेसिस पे, इससे भी एक जकात कहते हैं। माहे रमजान खत्म होता है, ईद का दिन आता है, सुबह सुबह हम लोग घरों से पैसे निकालते हैं, ये भी क्या होगा आपका एक जकात है। फितरा जो है जिसे हम निकालते हैं ये भी एक किस्म की ज़कात है, ज़कात की एक किस्म है। तो अल्लाह ताला ये कह रहा है तुम अपने माल में से पैसा निकालो गरीबों के लिए, अल्लाह ताला कह रहा है तुम्हें भी खुशहाल करेगा, तुम्हारे माल में बरकत भी डालेगा और क्या कर रहे हो तुम अच्छी भी रहेगी। आज अभी थोड़ी क्लास डिस्टर्ब हुई है, इंशाल्लाह कल जो है क्लास स्टार्ट होगी, तमाम बच्चे अपने नाम रोल नंबर अपने
आपकी जो है अटेंडेंस यहाँ पे लग रही है, तमाम बच्चे अपना नाम और रोल नंबर यहाँ पे पढ़ने, बाकी चैप्टर का जो अगला हिस्सा है पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी नमाज का टाइम हो रहा है और रोजे अफ्तार का टाइम हो जाएगा, तो आप लोग इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, कल इंशाल्लाह अपने वक्त करा सकते हो, जो आप पढ़ने लेंगे उसी पे होगी, कमर साहब आप भी ठीक। किसी को कोई सवाल है बताए, किसी को कोई सवाल है सर? पेपर कब होंगे? मेरा पेपर के बारे में तो आपको बाद में बताया जाएगा, अभी आपकी क्लासेस चलेंगी 28 रमजान तक, और इसी तरह में अगर तो गवर्नमेंट ने हम आपको बुला सके फिजिकल, तो हम बुला के फिजिकल पेपर लेंगे हम। जी और कोई सवाल? रोल नंबर 35 मोहम्मद नकी भाई, आप कितने दफा अटेंडेंस आएंगे? एक दफा लिख दिया काफी है, शो वही है, अटेंडेंस लगाए, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, दा हाफिज। हाफिज, चुप, बिल्कुल चुप।